सलामैकम। खैरियत मामा? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेघू तो तुम्हारी खैरियत नहीं दिख रही। हालत तो बहुत पतली हो गई मियां तुम्हारी, और हड्डियां ढीले हुए सो टाइट हुए नहीं। पहले ज बोला था वो बाला कटा के इंसान बन जाओ बोल के। हड्डियां ढीले, अब तुम्हारे भी मालूम हो या कौन बोले होंगे तुम्हारे? बोलना तो चुब्बन ही बोलना तुम्हारे, ये चुब्बन के पेट में तो बात ही नहीं रहती। क्या खाली चुब्बन भाई बोले तो मालूम हो जाता, अपन तो आखिरी चिदरी है मालूम ना, कहीं से भी मिल जाती अपने को कटिंग। खैर दूसरी बात करो ना भाई, नक्को याद दिलाओ यारो, ये लोग तो जुल्म कर दे रही। कौन मारे ये तो मालूम हो गया, मगर कई को मारे ये मालूम ना हुआ। अब बोलते नहीं मालूम करके पूरे मोहल्ले में बम कर दूं। हजार दुश्मन आ रहना, मगर तुम्हारे जैसा एक दोस्त न रहना। अभी हालचाल पूछने का उल्टा जले पे नमक डाल के लगड़ दे रहे। पहले बोला था वो अपरिचित का बुखार छोड़ो और शरीफ बच्चों के जैसे बाला कटा के इंसान बन जाओ बोल के, अब हजाम का खर्चा भी बच गया तुम्हारा। यहाँ मेरे प्यारे बाला काट के दिली तकलीफ दिए, तुम्हारा घुमाता कहाँ सुधर रही। खैर छोड़ो यार, तुम्हारे सितारे गर्दिश में थे होंगे इसलिए रपस में आ गए तुम। खैर आगे क्या हुआ? चुब्बन को बोल के गलती गलिया में एक कुचा लगा के ढिंडोरा पीट दिया मोहल्ले में। पहले मजाक बने हुआ पूरी गली में। तो बगैर कुंजी के स्टार्ट हो जाओ और डिटेल में सुनो ये हादसा कब हुआ। इंटरव्यू को जा रहा था उस्ताद, गाड़ी तो है नहीं अपन गने, अपन तो 80 लाख की गाड़ी में जाते है मालूम ना। तुम्हारे पास तो लूना नहीं है, 80 लाख की गाड़ी कहाँ से ला लिए? तुम्हारे दिना बदल गया जैसा दिख रहा। दिना तो बदल गया उस्ताद, कभी मेहंदीपट्टनम के बस स्टॉप पे नहीं ठहरूंगा उस्ताद। रही बात 80 लाख की गाड़ी की, बस 80 लाख की नहीं रहती, अपन उसमें जाते। क्या स्टाइल है गरीबी छुपाने का? गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह की नजर में सब एक ही है। खैर आगे का नहीं बोल रही तुम, बहुत जल्दी दिख रही तुम्हारे, जरा सबर करो ना। बोल रोंच कौन की बस स्टॉप पे बच्चियों को छेड़े गए थे, क्राइम वाले आगे सीधा मेरे को डाल लिए। अरे 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 ये शॉट था वो कहीं को छेड़े यार, तुम तो इंटरव्यू को जा रहे थे ना, तो ये है तुम्हारा इंटरव्यू। अरे मैं नहीं छेड़ा यार, धोखे से लेके गए, इधर आओ बाबा बोल के बुलाए और खामोश जीप में बैठो बोले। कहीं को भाई कौन तो भी है आप लोग, बोला तो बोल रही, इज्जत से जीप में बैठते नहीं, बेइज्जती से बिठाना बोल के पूछ रही। फिर तुम इज्जत से बैठे या बेइज्जती से बिठाया गया आपको? फिर करे नहीं तुम हौले बाता, आगे सुनो। पीएस को लेके गए, बातें कर रहा हूँ, पीछे से हमारी तशरीफे मार दिए एक। आई ला तशरीफ लाल हो गई होंगी। नहीं चुप बैठो यारो, जब इच कौन देखते, मैं समझा गलती से पड़ गई होंगी, मगर फिर रब बोल के पड़ी। कई को तो भी मार रहे साहब, बोलते कि और एक पड़ी। आई ला पूरा सुंद हो गया होगा। सुनने तो क्या होता यारो, जब इस समझ में आ गया सांप का निशाना पक्का है, तशरीफे दे रही धनाधन। अरे अरे बोलना था, मैंने कह रहा इंटरव्यू को जा रहा था बोल के, सर्टिफिकेट बता देना था, ये देखो बोल के। वो लोगों को कोई भी वजह बतला लो वो टाइम पे, खाली सेकने में मसरूफ रहते वो लोग। हाँ मामा, बेल्ट से दिए डंडों से दिए। क्या हिंदी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ जो मजे ले लेके सुन रही? यहाँ हालत हवेली पे है, तुम्हारे मजाक सुधर रही। सब जान दो फिर कैसा छोड़े, छोटे बच्चों के जैसा मुंह से चीखा निकल गए होंगे। कभी खा के देखो ये डिश, तुम्हारे भी मालूम होता, खाली सुन के हंस लिए तो नहीं होता, हमारी तकलीफ दूसरों का मजा बन जा रही। वाह 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 वा। इसलिए बोला था बाला कटा के शरीफ बच्चे बन जाओ बोल के, क्या जरा जमा आगे बढ़ जाओ, आज के शो में मस्त मस्त चीजा है। जल्दी बताओ उस्ताद, नहीं हंस के बहुत टाइम हो गया, ये हालत के बाद तो हंसी का हैज भी नहीं निकला मुँह से। हमेशा पोस्टमार्टम में इंसानों को देखे ना, अब जरा दूसरी मखलूक भी देखेंगे। मखलूक बोले तो आज के शो में कुत्ते बिल्लियां शेरा बबरा देखेंगे। आप कुत्ते बिल्लियां भी रजनीकांत मिथुनदा और अपरिचित के हरकतें कर रहे हैं या जो पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं शो में? नहीं उस साथ मॉडल मॉडल बोल के सुने ना, आज नए मॉडल को बता रहा हूँ, ये मॉडल तुम तो जिंदगी में नहीं देखे होंगे, जरा बताओ ना भाई मार्केट में फ्रेश आया सो मॉडल। मॉडलिंग बोल के सुने होंगे ना आप लोग, और वैसे भी फनी सिंह नाम की एक चीज ईजाद हुई, उनको देख के पूरों को मॉडलिंग का बुखार चढ़ा हुआ है। ये अजीब अजीब कटिंगा करा के और कानों में बालियां उंगलियों में छल्ले डाल के अपने आप को मॉडल मॉडल बोल लेती फिर रही, और ऊपर से एक जुमला अंग्रेजी का याद कर लिए और बात करे की वो बोल रही यू आर माई कूल कते। हमारे पास तो एक किस मॉडल थे अपने फनी सिंह, ये मॉडल तो अपने फनी सिंह को भी पीछे कर दिए। देखे ये करिश्मा कब हुआ मालूम? एक बार ये मॉडल साहब अपनी दुम को पकड़ने गोल फिर रहे थे, जब ही ये मॉडल के मालिक देख लिए और सोच लिए कि इनको कपड़े पहना के देखेंगे
इनो कैसे दिखते की बोल के, जब इनको कपड़े पहना रहे थे तो इनो गद चुप बैठे हुए थे और टाई कोट पेन तिकिच पोजा मारना शुरू कर दिए थे। फिर ये लोग सोच लिए इनको मॉडलिंग कराए तो कैसा रहता बोल के, ये कुत्ते मॉडल के मालिका है ये लोग, ये मजाका कर रहे हैं। देखो ये जो खवातीन दिख रहे ना, इनका नाम येन है और इनो फैशन डिजाइनर है, और इनका नाम डेविड है और इनो ग्राफिक डिजाइनर है। ये काम आता बोल के ये लोगों को किसकी भी जरूरत नहीं पड़ी कुत्ते मॉडल को तैयार करने में। ये मिसाल सुने ना, हज्जाम को कुछ भी काम नहीं रहा तो उन्हें बिल्ली की कटिंग बनाया करते। क्या किराक पोजा मार रहे हैं देखो मॉडल साहब। ये मॉडलिंग इन्हों फ्री में नहीं करते, इनको उसके पैसे मिलते ना। क्या जमाना आ गया, अब कुत्तों की कमाई खा रही लोगा। जूली, मोती, कालू, शेरू, जिमी, सुने ना कुत्तों के नाम, मगर इनका तो सबसे अलग नाम रख दिए बोधी कते। कहीं इनो बोधन के है समझेंगे, इनो अमेरिका के है जी। गौर से सुनो, बोधी। फिर से सुनते क्या, बोधी। फिर ये लोगा इंटरनेट पे एक वेबसाइट बनाए कुत्ते मॉडल को बताने। कपड़ों की कंपनी वाले तो ये लोगों के पीछे पड़ गए कते, हमा को होना ये मॉडल बोल के। फिर दूसरे दिन से कुत्ते मॉडल काम पे लग गए और इनके मालिक बोल रही खाली कपड़े पहनने की देर रहती है, उसके बाद पोजा देखने के रहते मॉडल के कते। और उन्होंने बोल रही ये सब कुत्ते मॉडल को मालूम है कते, 1,46,000 इनके चाहने वाले है कते, और कई सूटा टाइयों की कंपनी वाले तो लाइन में है कते इनसे मॉडलिंग कराने। और कंपनियां वाले उल्टा ये लोगों को बोल रहे कते तुम लोग ये कुत्ते मॉडल के एजेंट है बोल के। अलग ही जिस तरीके से कुत्ते मॉडल के कपड़े साफ हो रहे हैं देखो, दोनों इतने मसरूफ है ये मॉडल के कामों में, पूछो नको कुत्ते का मुस्तकबिल बनाते कते। इनका कुत्ता बहुत कमा रहा बोल के दोनों अपने अपने नौकरियां छोड़ दिए और कुत्ते की कमाई खा रही। और इनो बोल रही ऐसे मौके बहुत कम आते कते, जहाँ पे भी कुत्ते मॉडल जा रही हर कोई इनको पलट पलट के देख रहे कते। और क्या दिख रहे मियां कुत्ते तुम बोल के इनके साथ फोटो खींच ले रहे। कुत्ता भी कभी खूबसूरत होता, ये दीवाने लोग बोल रहे इन्हें बहुत खूबसूरत है बोल के। आ इल्ला इनो तो बेइज्जती कर दिए, ये कुत्ते से अच्छे कपड़े यहाँ पे कोई भी पहने में नहीं है कते। क्या किस्मत लाया मियां कुत्ते, यहाँ इंसानों को पहने नसीब नहीं हो रहे इतने भारी कपड़े, तुम तो फुल एंजॉय कर रहे भाई। देखो मियां कुत्ते तुम मॉडल वॉडल जो भी है सोते वक्त कपड़े उतार के सो, कितना भी बोलो तुम कुत्ते हैं लोट लोट के कपड़े सत्यानाश कर देंगे। टाई बुशर्ट सूट की मॉडलिंग तो कर दिए, पटलून की कौन करते, वैसे भी सूट के नीचे का पॉइंट कहाँ है मियां, और इंसानों के कपड़ों की मॉडलिंग कुत्ते से करा रहे हैं। क्या बोलना कि ये 21वीं सदी को इंसानों और कुत्तों के कपड़ों में कोई फर्क ही नहीं रखे, अब क्या बोलना कि क्या नहीं कि इन लोगों को। अब ये कसर बाकी थी ये लोग आप पूरी कर दिए, अब तो सूट टाई पहनना भी सोचना पड़ता। गौर से देखो अब तो कुत्ता भी मॉडल बन जा रहा, तुम जहाँ के वहाँ रुके हुए अभी तक खाली इंटरव्यू दे लेते फिर रहे। इसमें मेरा क्या कसूर है यारो, जितनी मेहनत करना है वो तो कर रहा हूँ ना, असल में कंपनियां वालों के किस्मत खराब है, जो ये नूरानी चेहरे उनके नसीब में नहीं है। अम्मा बस करो भाई, चांस मिलते कि धना अधन डाल रहे, नाचना है आंगन टेढ़ा कहते। कौन से बुढ़ियों में बैठ रहे हैं आखिर, मिसालों की बारिश कर दे रही। असल में तुम सदमे में आ गए ये कुत्ते मॉडल को देख के, अब ये देखे तो क्या बोलते, अब जो बता रहा हूँ हैबत नको खाओ, आराम से बैठ के देखो कहीं चप्पल ना छोड़ के भाग जाएंगे। छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते तो देखे ना, अब जो बच्ची को बताने जा रहे हम लोग वो देखो, इनके खिलौने अलग ही है और वो खिलौने अपने करीब आ गए तो चप्पला छोड़ के भागते अपन लोग। अरे हाओ जी कैसे है खिलौने देख रहे, चंदन के झाड़ पे सांप लपटता नहीं भाई, सीज लपटे हुए देखो, सांप बोलते जी इसको सांप। कहीं आप लोग चुप चुप का है समझेंगे, ये सही सही का है, हाथ लगाए तो डस लेता वो भी ढस से बोल के। और इनके पास ऐसे कितने की किस्म के सांपा हैं, और इनके घर में इनके 30 पर्सनल सांपा हैं। 2 साल की उम्र में इनके मुंह से मम्मी डैडी के अलावा स्नेक स्नेक निकला कहते, इनके डैडी बोल रहे हाओ, यही छे देखो इनके डैडी, इनो सांपों के माहिर है कहते। और इनो जी प्यारी सी बच्ची को सांपों की आदत डाल दिए, ये बच्ची को सांपों से मोहब्बत कुदरत का तोहफा है, सांपा कितना की काट काट के डाल रही मगर बच्ची को कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी वो सांपों के साथ खेलने रहती भी है। ये बच्ची के नानी बोल रही मेरे को जर्रा पसंद नहीं है सांपा,
मेरी नवासी को क्या हो जाता कि क्या नहीं कि बोल के परेशान हो जा रहे। नानी तो नानी, बच्ची की अम्मा भी डरते सांपों से। बाबा बेटी कुछ भी कर लो, मेरे को नको की जो बीच में बोल रहे। ये बच्ची करे कुदरती टैलेंट है कते सांपा संभालने का। छोटे बच्चे ये उम्र में फुटबॉल खेलते, साइकिल चलाते, मगर ये बच्ची तो सबसे अलग है। बाबा के साथ सांपा पकड़ लेती फिर रही देखो, और जर्रा नहीं डर रही देखो। असल में ये बच्ची का डर इनके बाबा निकाले, बच्ची के गले में सांपा अज्जे डाल के। सांपों के असरात हो गए शायद ये प्यारी सी बच्ची को। ड्राइंग भी सांपों की कर रही बच्ची, और तो और बेडरूम में भी सांपा रख लेके है देखो। और कितने के लोग इनको बोल रही क्या दीवाने काम कर रहे मियाँ तुम, बच्ची अभी छोटी है, कुछ तो भी हो जाएगा बोले तो इनो कुछ भी नहीं होता उसको बोल के हंसी में उड़ा देते कते। घर में 30 सांपा भर के है तो भी इनको चैन दिश नहीं है देखो। बच्ची को लेके स्नेक फार्म में आ गए और मरे हुए चूहे सांपों को खिलाओ बोल रहे इनो बच्ची को। और वो बच्ची भी क्या है, जर्रा नहीं डर रही, आराम से चूहे डाल रही सांपों को। चूहे गोरे है बोल के परेशान नको हो, ये अमरीका है इसलिए वाइट वाइट है। सांपा पैरा हाथों पे बच्ची को काट काट के छन्नी कर दे रहे तो भी बच्ची लाइट ले ले रही और अपने काम में मसरूफ है। अगर गलती से चोर इनके घर में आ गया तो दूसरे घर से लूट के लाया सो सामान छोड़ के भागना। क्या हुआ, दिल भड़बड़ मार ले रहा हैबत नको खाओ, मैं हूँ ना मामा तुम्हारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह शेर दिल है अपना। आए शेर दिल है, चूहे के मुंह से शेर अच्छा नहीं दिख रहा, असल में तुम्हारे तोते उड़ गए ऐसा दिख रहा। मैं हूँ ना बोल के खुद को तसल्ली दे ले रहे तुम। तशरीफ गर्म हुई जब से बहुत ही चढ़मास हो गए तुम, तुम्हारे न्यूट्रल करने एक बार फिर भेजना पड़ता सेकने वालों के पास। क्या मतलब, वो तुम ही थे हमारे को अटकाए सो। ओफो इतनी बड़ी प्लानिंग वो भी हमारे साथ। खैर हर किसी का दिन आता, वहाँ कुत्ता मॉडल बन गया या तुम्हारा टाइम चल रहा। क्या बात है, दोनों का टाइम एक साथ चल रहा। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ, कुछ तो सीख मिली होंगी ना। बड़े बड़े बातें करना बहुत आसान है मियाँ, जिस पे बीती उस कुछ मालूम होता। घर वाले कितने परेशान हो गए थे मालूम, तुम्हारी इबरत के लिए एक चीज बता रहा हूँ, गौर से देखो। ये मसूद मियाँ की मौत का भयानक मंजर याद तो होगा ना आप लोगों को, ये दिल्ली के एक जू में हुआ सो हादसा है। अल्लाह महफूज रखे ऐसे हादसों से। ये वाकये से पूरे हिंदुस्तान का दिल हिल गया था। ये इतना बड़ा हादसा जू की मैनेजमेंट की लापरवाही से हुआ सो है। बेचारे कितना बेबस थे, मगर उसकी मदद को कोई भी नहीं आए, सब लोग तमाशा बना के देखते रहे। कई लोग तो मोबाइल में वीडियो लेने में मसरूफ थे, और कई लोग आवाज़ा निकाल रहे थे और फतरे मार रहे थे, मगर मसूद मियाँ की बदकिस्मती से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था वहाँ पे। हालांकि गवर्नमेंट कई सिक्योरिटी गार्डों को रखी जू की देखरेख के लिए। कहाँ चले गए थे कि सिक्योरिटी गार्डा सब होने के बाद ऐसा कई को हुआ बोल के शेरों के माहरीन को बुलाए, और वो लोग शेर का खसूरिज नहीं बता रहे, उल्टा बोल रहे लोग फतरे मार रहे। सो देख के शेर मसूद मियाँ को बचाने की खातिर गर्दन से पकड़ के अंदर लेके चले गया कते। क्या दीवाने बाता है, शेर भी कभी किसी को बचाया। मौत ऐसी रहती देखो, आदमी कितना बेबस हो जाता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। कई लोग तो व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के नए नए बातें कर रहे थे, जैसे कई को गया था होगा उन्हें क्या जरूरत थी होंगी इसको। क्या फजूल के बातें है ये, किसकी भी मौत का तमाशा करना अच्छी बात समझ रहे हैं क्या। ज़रा सोचो, अगर यह हादसा अपने साथ या अपने कोई करीबी के साथ होता तो दिल पे क्या गुजरती थी, वो माँ पे क्या गुजरी होंगी जिसके इनो बेटे थे, और वो बीवी भाई बहन का क्या हाल हुआ होगा ये देख के। खाली थोड़े व्यूज़ और लाइक्स के वास्ते वीडियो अपलोड कर दिए फेसबुक पे, और बेचारे की मौत का तमाशा बना दिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर्स से कि अपने फ़ायदे के लिए या अपने मज़े के लिए किसी की मौत का तमाशा ना बनाए, ये हमारी इबरत के लिए था। ये देख के समझ जाओ और बेवकूफ़िया नको करो। दुआ है हमारी अल्लाह ताला से मसूद मियाँ को बख्श दे और जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। देखे तो इच खौफ तारी हो जा रहा, आंग पे कांटे आ जा रहे, और वो मरहूम का क्या हाल हुआ होगा जब सामने शेर आ गया तो। हाँ मामा वाकई में सॉरी सॉरी भाई, चुप मजाक करा था रो। खाली बड़े बड़े बातों के है, किसकी भी हिम्मत नहीं हुई, खाली तमाशा देख लेते ठहरे हुए थे। जू के शेरा दो इतने खतरनाक नहीं रहते होंगे समझा था मैं, सर्कस में सिखा के रखते समझा। नहीं यारो, वो शेरा अलग रहते,
कई को बोले तो वो शेरों को छोटे बच्चे रहने दे पालते सर्कस वाले, इसीलिए वो लोगों की बात सुनते शेरा। शेरा कैसा पालते हो सादा और कैसा ट्रेन करते होंगे? पहले किराक रहते शेरा, दिमाग फिर गया तो मालिक की पार्टी कर लेते। अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात बनाए मियां आपने को, और शुक्र है बेहतरीन दिमाग दिए ताकि इंसान कुछ भी काबू कर सके। आज तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देता हूँ, कैसा ट्रेनिंग देते देखो शेरों को। ये शेर अटैक कर दिया नक्को समझो, हम लोग अभी पहले वक्त देख के आईसिस समझे थे। ये शेर की ट्रेनिंग चल रही, ये ट्रेनर का नाम रैंडी मिलर है, इनो कैलिफोर्निया में रहते, अमेरिका में आता कैलिफोर्निया, इनो 45 साल के है। पूरी दुनिया में इनो एक ही आदमी है जो शेर को अपने आंख पे कुदा लेने की ट्रेनिंग दे रहे, सो पूरे दिन यही ट्रेनिंग देते रहते इनो। ये शेर कितने किलो का है मालूम? पूरे 1 क्विंटल 82 किलो का है, कितना वजन है नहीं। और इनो क्या मजे से कुदा ले रहे अपने ऊपर, ऐसा काइकू कर रहे इनो मालूम? इनो इंग्लिश फिल्मों में स्टैंडमैन का काम करते, ग्लैडिएटर बोल के फिल्म आई थी नहीं रसल क्रो की, उसमें हीरो जो शेर से लड़ा था नहीं वो हीरो नहीं था, इनो थे। कंप्यूटर से हीरो का चेहरा इनके मुंह पे लगा दिए थे, जबरदस्त सीन करे बोल के इनको अवार्ड भी मिला और कितने की पैसे भी मिले। खाली एक ही फिल्म में करे नक्को समझो, इनो ट्रांसफॉर्मर 2 और लास्ट समुराई बोल के हॉलीवुड की हिट फिल्म है उसमें भी काम करे। वो बोलते नहीं कामयाबी इतनी जल्दी हासिल नहीं होती, बहुत पापड़ा बेलना पड़ता बोल के, इनको देख के तो वो मिसाल याद आ जाना। ये ट्रेनिंग देते वक्त इनो कितने की बार जख्मी हुए गए थे, और इनो बोल रही अगर शेर गुस्से में आ गया तो एक बड़ी कुट्टी करता और दुनिया से चलता कर देता बोल रही। शेर को शिकार की गर्दन पकड़ने की आदत रहती, अगर इन्हें गलती से भी गर्दन पकड़ लिया तो बचना मुमकिन नहीं है कहते। ग्लैडिएटर की फिल्म की शूटिंग के वक्त भी शेर साहब उलट पुलट मचा दिए थे कहते, वो फिल्म में इनके ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स का मेकअप लगाए थे, तो ये शेर साहब नए पहचाने, और इनके मोटे कपड़ों में से भी कतर दिए कहते, और घसीट लेते भी कितनी की दूर लेके गए बोल रहे। इंग्लिश फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करना है कहते इनको, ये इनकी ख्वाहिश है बोल रहे, इसलिए रोज इनो अपनी जान जोखिम में डालते कहते। वो जो साथ में दुबली बच्ची है नहीं, उन्हें इनकी असिस्टेंट है, कभी कभी इनको उसकी भी फिक्र होती कहते, कहाँ शेर किराक होके उसको निवाला बना लेता कि बोल के। इनके असिस्टेंट बोल रहे ये खतरनाक जानवर कुदरती किराक रहता, ये जानवरों पर भरोसा नहीं करना कहते। और कितने की बार शेर इनको भी पंजा मारा मालूम? अपने मिल्लर साहब को तो आदत ही हो गई ऐसे जख्मों की, देख रही क्या लाइट ले ले रही नो, 100 बार लगे कहते ऐसे मारा इनको। इनो बोल रही मेरी फैमिली भी मेरे काम को लेके परेशान है, मगर कोई भी मेरे को नहीं बोलते ये काम नक्को करो बोल के, ये लोगों को मालूम है अपन किसकी भी नहीं सुनते बोल के। और इनो बोल रही कोई अनजान आदमी इसके करीब आ गया तो इन्हें हमला कर देता और अकेले अकेले पार्टी कर लेता। इनो सबको एक मैसेज भी देना चाह रही, वो ये है ये जानवर खाली दोस्ती का नाटक करते, मगर दिमाग फिर गया तो अपने कुछ निवाला बना लेते। इनो ये शेर को छोटा बच्चा रहने से बाप बन के पाले कहते, इसलिए ये शेर इनको इतना बर्दाश्त कर रहा, मुंह में पानी आ रहा तो भी सबर कर रहा बेचारा शेर। ये शेर से मिलनसारी से इनो शेर का निवाला बनने से बच ले रन जैसा दिख रहा, नहीं तो इनो भी कब की दुनिया से गायब हो जाते थे। अरे क्या उड़ उड़ के कूद रहा भाई शेर, और जो बोले सुन रहा, क्या क्या तरीके है यार पैसे कमाने के, क्या अजीब लोग आए। हाथा पैर ठंडे तो नहीं हो गए? सब खैरियत से तो है ना, तुम्हारी सूरत देखते कि समझ गया मैं तुम्हारा दिल मुर्गी के होता है बोल के। अब रजिया को गुंडों में फंसा रहे क्या? किधर बाबू, अगर सूरत से दिल मालूम हो जाता तो तुम्हारा दिल तो चूहे खा रहा ना। असल राज तो अब मालूम हुआ, रजिया है तुम। अच्छा जरा बस करो, नहीं तो तशरीफ की स्टोरी फिर से खोलता हूँ और बोलूँ क्या कितने पड़े और कहाँ कहाँ पड़े। क्या आपके टूथपेस्ट में अदरक लहसुन गर्म मसाला है? चुप शो करो, नहीं तो पोलियो के 2 ड्रॉप बोल के पानी में अमृतंजन डाल के पिला देता हूँ। ये हादसा पहले हो गया ऐसा दिख रहा तुम्हारे साथ, जान दो अब ज्यादा न कौन तो बबरों से भी मुलाकात करा देता हूँ। शेरा पाले सो देखे ना, अब बबर की बारी है, उसको कैसा पालते वो देखो आप लोग। देखे बबर को क्या किराक हेयर स्टाइल है ना मामा का, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 18 साल का है, मगर ये बबरों को ट्रेन करने में माहिर है। ये मामूली बबरा नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के बबरा है,
बहुत किराक रहते वहाँ के बाबारा, मालूम ना? ये उम्र में तो बच्चे कंप्यूटर पे गेमा खेलते और डेली पार्टियाँ करते, मगर इनो वैसे नहीं है। इनका नाम शैंडोर है। इनको बबरों से बहुत लगाव है कहते। काई को बोले तो इनके डैडी जंगली जानवरों के माहिर है कहते, और ये इनका खानदानी पेशा है। ये सब ट्रिका इनके डैडी सिखाए कहते इनको। काई को बोले तो बबरा पालने वाले कम लोग हैं, इनका भी मुस्तकबिल बन जाना बोल के, और ये खानदानी पेशा सालों तक चलना बोल के। इंसानों के तलवे सहलाते सरका इनो बबरों के तलवे सहला रहे। ऐसा करना ये बबरों को अच्छा दिखता कहते। बबर साहब की खुशियों में इनकी सलामती है, नहीं तो हड्डियाँ भी नहीं छोड़ते थे बबर साहब। अरे ये क्या है जो शेरा बबरा पाल रही, झाड़ों पे चढ़ाने की ट्रेनिंग कैकू दे रही कि क्या नहीं की? बबर साहब किराक हो गए तो कम से कम झाड़ पे चढ़ के उनका खाना बनने से तो बच जाते ना। दुम पकड़ के इन्हों ऐसा खींच रहे बबर की कहाँ हिलता उन्हें जगह पे से। पूरे 230 किलो के हैं मियाँ उन्हों। बबरों में रह के बबरों की जबान सीख ले जैसा दिख रहा है इन्हों। बबरों के जैसा क्या की बोल के इशारा कर रहे हैं देखो। इन्हों बबरों को जब ट्रेनिंग देते इनके डैडी सामने रहते ना। इनके डैडी भी आखिरी है, उन्हों तो 30 साल से बबरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। और शंदर साहब क्या बोल रही, इनको ये ट्रेनिंग देना इनके डैडी सिखाए कहते, और इनकी नज़र में इनके डैडी से अच्छा ट्रेनर पूरी दुनिया में नहीं है कहते। ट्रेनिंग हो गई बाद बबर को ला के पिंजरे में बंद कर दिए देखो, और काई को ऐसा तरसा तरसा के खिला रंग की नो। और बबर भी क्या है भाई, काई को बंद कर दिए मेरे को बोल के जालियों पे पंजे मारा। अपनी नाइक इस्तेमाल करके बताए देखो बबर कितना बड़ा है बोल के। साइम भी कितना बड़ा है ने बबर, भैंस की पीठ पे मारे जैसा बबर की पीठ पे मार रहे हैं देखो। और बबर तो कुछ भी नहीं कर रहा, उन्हें भी चाहता शायद ये लोगों को। कुत्ते पाले जैसा पाल ले रहे हैं क्या यार ये बबरों को, खाली देखे तो छाता पैरों में से पसीने निकल जा रहे हैं। ये लोगों का ही दिल है उस्ताद। ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो घर के बाहर कर ले रहे थे, और ये लोग जबरदस्त ट्रेनिंग देने वाले थे इसलिए खेल ले रहे थे उसके साथ। ट्रेनिंग देने वाले रहने दो, कोई भी रहने दो, बबर साहब की फिर गई तो ट्रेनर के हड्डियां छिछड़े भी नहीं छोड़ दे अनु। क्या बात कर रही है तो? अरे हौली हंडी, ये लोगों को देख के चित्ता परेशान हो जा रही तुम। आप जो बता रहा हूँ उसको देखे तो क्या बोल देगी तुम, जरा दिल पकड़ लेके बैठ जाओ मियाँ। वैसे भी टीवी में बता रहा हूँ देखो। देखे कितना बड़ा है ने शेर, ये शेर को इनू अपन बिल्लियां पाले सर का पाल रहे। इतने बड़े शेर को क्या की बना के छोड़ दिए, उसके साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर ले रहे। छोटे बच्चों को ऊंट पे बिठा के कैसा खुश होते ने अपन, वैसी जनों अपनी पोतरी को शेर साहब की पीठ पे बिठा के फोटोआ खींच ले रहे। इनका नाम आरियस बुर्गेस है, और इन्हों ब्राज़ील में रहते। खाली एक ही शेर नहीं है इनके पास, पूरे 7 शेरा है। इनको 3 बेटियां है, और इनको इनके बेटियों की कभी भी फिक्र नहीं करे कहते। ये इनके दामाद है। इनो दरवाजे में से ऐसा काई को झांक रहे मालूम इनको हाइबत हो रही कहते ये शेर के सामने आने। मैं यहीं अच्छा हूँ बोल रहा इनो। ये इनकी बीवी है, छोटे बच्चे को शीशी में दूध डाल के पिलाते नहीं, वही सिस शेर को पिला रहे देखो। और इनके शोहर दूर से तमाशा देख रहे। इनो बोल रहे इनकी बीवी के लाड़ा नखरे ऐसे खतरनाक जानवर से खतरे से खाली नहीं रहते कहते। हाओ सही बात ही है ना, ये देखो ऐसा किराक हो गए तो शेर साहब क्या करना। ये इनकी फैमिली है, ये इनके 3 बेटियां हैं। पैरों के पास कुत्ते को बिठा लेते नहीं, इनो शेर को बिठा लिया देखो। ये और शेरों का भी दीदार कर लो आप लोग। क्या तू भी तमाशा है कि ये कुत्ते के गले में पट्टा डाले जैसा शेर के गले में पट्टा डाल के पूरे घर में लेके फिर रहे इनो। अम्मा इनो तो शेर से डेंजर दिख रहे, खंदों में चढ़ा ले रहे शेर को। कितना बड़ा है ना शेर, मैं तो पहली वक्त देख रहा हूँ इतना बड़ा शेर। इनो 8 साल पहले एक सर्कस से लिए थे कहते ये शेर को। शेर के जबड़ों में हाथा डाल के उसके दाता बता रहे देखो। इनको तो शेर का जर्रा खौफ नहीं दिख रहा, घर के पीछे पिंजरा बना के रखे इनो ये शेरों को। इनो बोल रही शेरों से मोहब्बत और इज्जत से रहे तो ये जानवरों कन से भी इज्जत मिलती कहते। नक्को रे भाई ऐसी इज्जत, आपकी इज्जत आपको मुबारक हो भाई। इनकी एक बेटी कमजोर दिल के दिख रही। शेर साहब हुर्रा तेज डर के पीछे हट गए, और दूसरी वाली तो आराम से ठहरी हुई है। इन्हें उसको दूध कम पिलाए सर का दिख रहा नहीं, इसलिए रेस हो गई शायद शेर खान। ये शेरों के वास्ते इन्हों घर के अंदर स्विमिंग पूल भी बना लिए ना,
और क्या मजे से शेर की पीठ पे बेटी को तिरा रहे हैं। देखो फिर बोल रहे हैं, देखो इनके शोहर इन्हों कितनी की बार बोले गए थे इनकी बीवी को नक्को जाओ जी, उसके करीब ये जानवरों का कोई भी भरोसा न रहता बोल के, मगर इनके बीवी मान रही नहीं, उल्टा इनको बोल रही तुम डरपोक डल्ली है बोल के। क्या ट्रेनिंग दे रहे इन्हों तो शेर को, झाड़ पे चढ़ना सिखा रहे हैं शायद। क्या तू भी दीवाने कामा कर रहे हैं तुम, शेर से बचने झाड़ एक महफूज जगह थी, अब उसको भी चढ़ाना सिखा दे रहे तुम। फिर जबड़ों में हाथ डाल के दाता बता रहे हैं देखो, और पप्पियां मार रहे हैं उसको। ये चुप जबड़ों में हाथा कई को घुसा रहे हैं जी, क्या कोलगेट का एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या? खाली पीली ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहे हैं, मुंह पे पड़ता था ना पंजाब, फिर लाड़ा कर रहे हैं से देखो। ए ना भी किराक हो गए तो पूरी ABCD भुला देते शेर खान, कुछ भी नहीं मिला पालने, जो इतना बड़ा शेर पाल लिए सो। अम्मा इतना बड़ा शेर तो पूरी जिंदगी में नहीं देखा भाई, कितना बड़ा मुंडा है उस्ताद उसका, देखे तो हैरत हो रही ये लोग कैसा रह रहेंगी। आजू बाजू घर वाले तो इज्जत से मिलते होंगे ये लोगों से, बिंदास घर को छोड़ के जा सकते, लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। सबके रिश्तेदार घर को आके मिलते, मगर ये लोगों के रिश्तेदार घर के बाहर मिलते होंगे। नहीं बाहर ही मिलना पड़ता बेचारों को, ये कुत्ता तो नहीं है बोलते कि खामोश हो जाए, शेर साहब है खाली घूरे तो अच्छे अच्छों के मुँह से चीखा निकल जाते। कहाँ से तो भी चुन चुन के ला रहे हैं भाई ये सब चीजा। वो कई को तुम्हारू शो अच्छा बता रहा हूँ, नहीं ये बोलो आम खाओ गुटलियाँ को गिनो और एक देखते बस करो, अब मेरे ख्वाबों में भी यही लोग दिखेंगे। एक आखिरी देख लो, जरा हिम्मत से देखो यार, क्या बानू बेगम के काम आ कर रही, जरा लास्ट वीडियो बताओ ना भाई। अब इनसे भी मिलो, इनो भी शेरंग पालते देखो, इनको देख के समझ में आ गया होगा ना, शेरा पालते पालते इनकी सूरत भी शेर के जैसी हो गई। नहीं बहुत मोहब्बत दिख रही इनको शेरों से, टी शर्ट पे भी शेर का मुंडा है। अब सुनो इनो क्या बोल रही, इनो बोल रही मैं ये शेरों के वास्ते इनकी अम्मा हूँ कते। काय को बोले तो ये शेरा इनके साथ बहुत लाड़ा नखरे करते करते, जैसे के मूड में आए तो कल्लों को लगड़ते और नाक को पप्पियाँ करते करते। अबा इनके पास तो सफ़ेद शेर भी है ना, कहाँ से लाई की इन्हों, और क्या मोहब्बत है इनकी शेरों के साथ, मिट्टी में सो जा रही। ये बंगाल टाइगर है कते, और ये शेर छोटा बच्चा था जब से इन्हों पाल रहे कते। ये शेर भी बहुत बड़ा दिख रहा नहीं, इनके सिर से बड़ा तो शेर का पंजा है, मोहब्बत से सिर पे पंजा पड़ गया तो नारियल के जैसा फूट जाता सिर। पहली वक्त देख रहे नहीं शेर से छिन्नम छानी खेल रहे सो। आई ले शेर साहब इनको पकड़ के आउट कर दिए, नहीं इनो कौन है कि सैली दिख रहे इनके, ये कौन सा खेल है कि क्या नहीं कि शेर के मुंह में अटक गया इनका हाथ। अदमिया तो अदमिया, औरतों का भी क्या दिल है, मुंह में हाथ पकड़ लिए तो भी जर्रा नहीं डर रहे इनो। जल्दी निकालो जी हाथ, नहीं तो सरोते में छालिया फूटती नहीं वैसे फूट जाएगा कहीं हाथ। यहाँ तो जबरदस्त पप्पियाँ चल रही, इनके शोहर भी शेरों के दीवाने दिख रहे और खामोशी से बीवी के साथ शेरों का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। देखो क्या प्यार है, हाथों से खिला रहे और कंगा वंगा भी करके तैयार कर दे रहे। क्या स्कूल को भिजाने का इरादा है, ये मुंह में हाथ कई को डाल रहे कि शेर को गरारा करा रहे। इन्हों चुप चुप उसको चिपक के सो जा रहे बोल के ढकल दे रहा शेर, गर्मी हो रही होंगी शायद उसको। सॉरी हम लोग ये इनके सहेलियाँ बोले, मगर ये बेटियाँ हैं इनके। खाना खिलाने के वास्ते डाइनिंग टेबल के जैसा मोटा तख्ता डाल दिए, और शेर भी क्या उचक के बैठा, दिन में 3 टाइम खिलाते कहते ये शेरों को। शेरों का जुनून हो गया इनको, रात में भी बराबर नींद आती कि नहीं कि इनको, 24 घंटे में से 12 घंटे ये शेरों के पीछे रहते कहते इन्हों। अरे ये तो हाईलाइट है, कुत्ते बिल्लियाँ पाले आम खास पाल ले रहे। हर किसी का शौक अलग अलग रहता मियाँ, और वैसे भी अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ ऑडियंस को बताना है। ये बानू वानू क्या कर रहे थे तुम, रजिया में तो मिला दिए, अब बानू में मिलाना बाकी था। बानू को नमाजा माफ है। क्या दीवाने बातें कर रहे हैं यारो, नमाजा कैसा माफ रहते, वो तो किसको भी माफ नहीं है। बानू बेगम को है यारो, और कई लोगों को है, तुम नहीं समझ रही। अब इसमें समझने का क्या है भाई, AC ऑन है क्या, देखो ना ऑन ही भाई। AC ऑन रहने के बाद भी मुंह से दीवाने दीवाने बातें नहीं कर रहे, कैसा होते यारो। मेरे बोलने का मतलब पागलों को नमाज माफ ही रहती कहते,
अब तो तुम्हारे भी माफ हो गए जैसा दिख रहा। इस वक्त तुम्हारे को टाइगर बाम की बहुत जरूरत है। ये शेरा मबाना देख के हड़बड़े हो गए तुम। अब बाम में भी शेर क्या तो भी इरादा है। मेहरबानी आपकी, शो खत्म करे तो जाना है। जाने से पहले हम हमारे शो देखने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और खास तौर पे मोहम्मद इमरान जो 10th क्लास के स्टूडेंट है। मोहम्मद इमरान, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में मस्खरों का शॉर्टेज हो गया क्या? कहाँ तो भी चले गए पूरे। इतने दिन से बुमड़िया मान ले रहे, मस्खरे होना बोल के गिनती के आए, और मस्खरे कहाँ हैं? अब जाते हम लोग। हाँ, कोई भी इंटरेस्टेड है नए आइडियाज के साथ तो ये नंबर पे कॉल करो, और शो कैसा दिखा बोलो। अल्लाह हाफिज़।